बिहार का ये लेटेस्ट अपडेट हमारे पास आ चुका है और अभी अवेलेबल जॉब्स के बारे में बताता हूँ। स्क्रीन पे आपको एक फोटो दिख रहा होगा, बैनर दिख रहा होगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पे औरंगाबाद बिहार में 4 डिलीवरी एग्जीक्यूटिव की ज़रूरत है और 2 MH यानी कि मटेरियल हेल्पर। यहाँ पे थोड़ा सा हम डिक्लेरेशन कर देते हैं कि डिलीवरी एग्जीक्यूटिव यानी कि DE का जो पोस्ट एक साइड में लिखा हुआ है पीले कलर से, और यहाँ पे MH का है गैपिंग यहाँ पे दिया गया ऊपर में लिख करके। तो यहाँ पे स्टेट भी है, हब नेम भी है, हब कोड भी है। तो यहाँ पे DE का मतलब होता है डिलीवरी एग्जीक्यूटिव, जो कंपनी की 4-चक्का वैन होती है उसमें बैठ के जाना है और डोर टू डोर सामान की डिलीवरी करनी है और वापस भी वैन में आ जाना है। जी हाँ, तो यहाँ पे दूसरा जो पोस्ट है मटेरियल हेल्पर का है, MH का है, जिसमें पैकिंग, पिकिंग, स्कैनिंग, लोडिंग, अनलोडिंग यही सब करना होगा। सो बेसिकली आप लोग समझ गए होंगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये जो लोकेशन है औरंगाबाद बिहार में, 4 डिलीवरी एग्जीक्यूटिव चाहिए यहाँ पे और 2 MH चाहिए। देखो इसका प्रॉपर लोकेशन दूंगा, औरंगाबाद में आखिर चाहिए कहाँ, बख्तियारपुर में आखिर चाहिए कहाँ, बेतिया में कहाँ चाहिए, हाजीपुर में कहाँ चाहिए, लोकेशन प्रॉपर तो पता होना चाहिए ना। क्योंकि देखो फोटो हटाता हूँ मैं, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मान लिया, सपोज मानो कि पटना में वैकेंसी है, तो पटना में है कहाँ, पटना तो छोटा एरिया नहीं है। तो पूरा एड्रेस, फुल एड्रेस आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ एंड बेसिकली आप लोग कैसे ज्वाइन करोगे, कॉन्टेक्ट नंबर एंड कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन सब कुछ शेयर करूँगा। लेकिन लोकेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कुछ इम्पोर्टेंट बात हम बता रहे हैं। ये वीडियो 10 मिनट से ऊपर का जाएगा क्योंकि इसमें प्रॉपर लोकेशन, पूरा लोकेशन हम आपके साथ में शेयर करेंगे, तो हो सकता है ये वीडियोज़ का लेंथ बहुत ज़्यादा जाए। बट जो काम करने वाले व्यक्ति होंगे जिनको बिहार में जॉब चाहिए होगा वो इस वीडियो को पूरा देखेंगे, अन्यथा छोड़ के जा सकते हैं। मुझे भी कोई इंटरेस्टेड नहीं है कि आप लोग को लपेट के हम अपने वीडियो में रखे रहें। तो यहाँ पे देखिए लोकेशन, मल्टीपल लोकेशन है, बहुत सारे लोकेशंस में तकरीबन 180 लोगों की भर्ती है। टोटल लोकेशन में मानूँ तो 180 कैंडिडेट की रिक्रूटमेंट है। देखो इंटरव्यू हो रहा है, 2 दिन से इंटरव्यू हो रहा है, लेकिन ज्वाइनिंग लोगों का नहीं हो पा रहा, पता है क्यों? अब देखो लोग हाजीपुर से बिलोंग करते हैं और पटना में भरे हुए फॉर्म, और पटना में गए इंटरव्यू देने के लिए। इसमें लोकल कैंडिडेट चाहिए, जैसे कि मुजफ्फरपुर में जॉब है तो उस लोकेशन के हब लोकेशन से 15 किलो या फिर मैक्सिमम 20 किलोमीटर के अंदर का कैंडिडेट चाहिए, जो हब के लोकेशन के 1 घंटे में पहुंच सके। और हाँ, अगर मान लिया रूम लेके रहने की बात है तो रूम वाला नहीं, जो डिस्ट्रिक्ट का आधार कार्ड है वही डिस्ट्रिक्ट का कैंडिडेट एलिजिबल होगा। और यहाँ पे तो सब लोकेशन में जॉब है, हाजीपुर, पटना, कटिहार, समस्तीपुर, हाजीपुर, बेगूसराय, भोजपुर, दरभंगा, सब लोकेशन में। देखो कहने का सिंपल फंडामेंटल होता है, सबसे पहले हम सैलरी के बारे में बात करते हैं। जो MH होगा, मटेरियल हैंडलर होगा, मटेरियल हेल्पर होगा, उसका जो सैलरी रहेगा 10,000 रुपये इन हैंड रहेंगे। कितना? 10,000 रुपये इन हैंड रहेंगे, प्लस PF है, प्लस ESIC है, प्लस बोनस है। तो 10,000 रुपये इन हैंड रहेंगे मटेरियल हैंडलर का, जिसमें आपको पैकिंग, पिकिंग, सॉर्टिंग, स्कैनिंग, रैकिंग करने हैं। मल्टीपल लोकेशन के लिए मल्टीपल सैलरी का एक्सपेक्टेशन मत करना, क्योंकि ये सैलरी हर लोकेशन के लिए फिक्स है। हेल्पर का 10,000 रुपये इन हैंड है, प्लस में PF, प्लस में ESIC वगैरह सब कुछ देखने को मिलेगा। इसमें 3 शिफ्ट चलते हैं, तीनों शिफ्ट में रोटेशनल है, डे, इवनिंग एंड नाइट शिफ्ट। तो यहाँ पे जो है सो एक जनरल शिफ्ट है, एक डे है, एक नाइट है, 3 शिफ्ट होता है, इवनिंग नहीं होता है, डे, जनरल और नाइट। तो ये तीनों शिफ्ट में वीकली आपका चेंज होता रहेगा, तो यही 3 शिफ्ट में आपका काम होने वाला है। सो यहाँ पे अब हम बात कर लेते हैं प्रॉपर लोकेशन के बारे में। तो लोकेशन समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो लोकेशन बहुत अच्छे से समझिएगा ताकि आपको प्रॉब्लम्स ना हो। तो यही चीज़ों को हम आपके साथ में शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। सो अच्छे से लोकेशन समझिएगा, उसके आगे आप लोग प्रोसेस कर सकते हैं। और हाँ, मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर मुजफ्फरपुर में मान लिया 2 लोगों की ज़रूरत है, आप हब के नियरेस्ट 15 किलोमीटर या फिर 20 किलोमीटर, मैक्सिमम 20 किलोमीटर तक का डिस्टेंस कवर होना चाहिए और लोकल रूट का पता होना चाहिए। अब बहुत सारे लोग आते कहते हैं मुझे वैन डिलीवरी में जॉब चाहिए, तो वैन डिलीवरी का सैलरी थोड़ा सा ज़्यादा है, 10,500 रुपये इन हैंड है वैन डिलीवरी का, और 3,000 रुपये तक का इंसेंटिव है। इंसेंटिव कब मिलता है? जब आपका 9 घंटे से ऊपर ड्यूटी काउंट होता है। सपोज मानो कि आप सुबह में 6 बजे डिलीवरी करने के लिए निकले, 8 बजे निकले,
8 बजे निकल गए, उसके बाद में 9 घंटा से ऊपर हुआ तो उस वो इंसेंटिव में काउंट होगा। और देखिए पर डे कंपनी के तरफ से 20 से 25 ऑर्डर मिलेंगे, चाहे आप 10 घंटे में ऑर्डर कंप्लीट करो, चाहे आप 2 घंटे में करो, चाहे आप 5 घंटे में करो, ड्राइवर के साथ में कॉन्वीनियंस करना पड़ेगा और फटाक फटाक से ऑर्डर डिलीवर करके घर जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यही बेसिक सा कंसेप्ट है डिलीवरी एग्जीक्यूटिव में। डिलीवरी एग्जीक्यूटिव का 10,500 रुपये इन हैंड है, 3,000 रुपये तक का इंसेंटिव एज पर काम के हिसाब से रहेगा, 13,500 रुपये बनेंगे। और ये समय के साथ में जब एक्सपीरियंस गेन होगा तो आपको डिलीवरी एग्जीक्यूटिव में करने आ जाएगा तो सैलरी बढ़ेगा। और ऐसे दीपावली में लोग 20,000 रुपये तक कमाते हैं। 20,000 रुपये कैसे कमाते हैं, क्योंकि दीपावली में दिन रात काम होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो 20,000 रुपये तक लोग अर्न कर लेते हैं। सो चलिए अब ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, लोकेशन प्रॉपर शेयर करता हूँ, उसके बाद में आपको उसी लोकेशन में आना है, हब का लोकेशन शेयर करता हूँ उस लोकेशन में आना, क्योंकि मुझे बाद में लोगों से कन्वीनियंस करके ये नहीं कहना पड़े कि हाँ आप इस लोकेशन शेयर कर रहा हूँ उसके बाद नंबर शेयर कर रहा हूँ, जी नहीं, लोकेशन ऑलरेडी आपको पता रहेगा, मैं स्क्रीन पे सबका लोकेशन मेंशन करूँगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। सो चलिए लोकेशन शेयर करते हैं। देखिए ज्वाइनिंग का गारंटी मैं लेता हूँ, 100% गारंटी मैं लेता हूँ ज्वाइनिंग का, लेकिन उसी केस पे ज्वाइनिंग का गारंटी मैं लूँगा कि आपका लोकेशन जो है ना मैचिंग होना चाहिए। जैसे कि मुजफ्फरपुर से आप बिलोंग करते हो तो मुजफ्फरपुर का हब लोकेशन है शेरपुर, तो शेरपुर के नियर बाई में आप 15 से 20 किलोमीटर के रेंज में होने चाहिए, तब आप कर सकते हो। और आपको उस पूरे रूट का नॉलेज का पता होना चाहिए, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली वैकेंसी जो है औरंगाबाद में है, औरंगाबाद का पूरा एड्रेस हमने स्क्रीन पे स्क्रीनशॉट लगा के डाल दिया है, आप लोग अच्छे से देख लीजिए। औरंगाबाद में 4 डिलीवरी एग्जीक्यूटिव चाहिए और 2 मटेरियल हेल्पर चाहिए, और औरंगाबाद में टोटल 6 लोगों की वैकेंसी होने वाली है। ध्यान दीजिएगा, जो हब का लोकेशन मैं स्क्रीन पर अभी शेयर किया हूँ वो लोकेशन के नियर बाई के कैंडिडेट चाहिए, वही लोग गूगल फॉर्म को सबमिट कीजिएगा। 100% मैं गारंटी लेता हूँ रिस्पॉन्स 100% मिलेगा सभी का, क्योंकि मैं खुद कॉल हैंडलिंग कर रहा हूँ और सबको रिस्पॉन्स मिलेगा। 2-3 दिन के अंदर ज्वाइनिंग होगा, सरस्वती पूजा है और सरस्वती पूजा के कल होके सबको हब में रहना है, ज्वाइनिंग के लिए हब में रहना है। तो लोकेशन अच्छे से देखिए, औरंगाबाद का लोकेशन आपके स्क्रीन पे शो किया हूँ। चलिए दूसरा लोकेशन है बख्तियारपुर का, बख्तियारपुर का भी लोकेशन आपके स्क्रीन पे शेयर किया हूँ, अच्छे से देख लीजिए। इसका भी यहाँ पे बख्तियारपुर में 2 डिलीवरी एग्जीक्यूटिव चाहिए और 2 मटेरियल हेल्पर चाहिए, बख्तियारपुर का लोकेशन स्क्रीन पे है, इसमें टोटल 4 लोगों की वैकेंसी होने वाली है। देखिए बेतिया में 2 डिलीवरी एग्जीक्यूटिव चाहिए और 2 एमएच चाहिए, मटेरियल हैंडलर चाहिए, टोटल इसमें जो वैकेंसी हो गया 4 लोगों की भर्ती हो गई। सो यहाँ पे हाजीपुर का गैप फुल हो गया है तो हाजीपुर के बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे। देखिए कटिहार का भी स्क्रीन पे आपको एड्रेस शो हो रहा है, कटिहार में 0 वैन डिलीवरी एग्जीक्यूटिव, यानी कि वैन डिलीवरी एग्जीक्यूटिव का कटिहार में ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मटेरियल हैंडलर एमएच का ज़रूरत है, जो हेल्पर होते हैं वो 2 चाहिए बस, ओके। सो पटना लोकेशन में देखो, पटना में बहुत ज़्यादा लोग काम करने के लिए एक्साइटेड हैं, लेकिन उसका ज़िला अलग है, कोई जहानाबाद से है, कोई मुजफ्फरपुर से है, कोई हाजीपुर से है, तो ऐसा नहीं होगा। आपका जो हब लोकेशन स्क्रीन पे शेयर किया हूँ उसके नियर बाई में आपका एरिया पड़ता है, मेक श्योर डेफिनेटली आप लोग आ सकते हो। आपका ज्वाइनिंग का भी गारंटी मैं लेता हूँ, उम्र सीमा सबका 35 साल से नीचे होना चाहिए, 35 प्लस होंगे तो उसका ज्वाइनिंग नहीं होगा। पटना बिहार में 6 वैन डिलीवरी एग्जीक्यूटिव चाहिए और 2 हेल्पर चाहिए, कितना 6 डिलीवरी एग्जीक्यूटिव चाहिए और यहाँ पे 2 हेल्पर्स चाहिए। यहाँ पे देखो समस्तीपुर का स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ, समस्तीपुर में 2 डिलीवरी एग्जीक्यूटिव चाहिए और 2 हेल्पर चाहिए, तो यहाँ पे समस्तीपुर का भी 2 डिलीवरी एग्जीक्यूटिव चाहिए और 2 हेल्पर चाहिए। यहाँ पे हाजीपुर में जो चाहिए, हाजीपुर का लोकेशन यहाँ पे हाजीपुर का क्लोज हो गया है, हाजीपुर के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। बेगूसराय का स्क्रीन पे आपको लोकेशन शो हो रहा होगा, बेगूसराय में 4 डिलीवरी एग्जीक्यूटिव चाहिए और 3 मटेरियल हेल्पर चाहिए, ठीक है ना।
बेगूसराय में 4 डिलीवरी एग्जीक्यूटिव चाहिए और 3 मटेरियल हेल्पर चाहिए, तो 3 मटेरियल हेल्पर भी चाहिए बेगूसराय लोकेशन में। ओके, सो यहाँ पे भोजपुर लोकेशन का आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, यहाँ पे भोजपुर में जो चाहिए बहुत बड़ी वैकेंसी है भोजपुर में, 6 डिलीवरी एग्जीक्यूटिव चाहिए और 4 मटेरियल हेल्पर चाहिए, ध्यान दीजिएगा सब लोकल कैंडिडेट होने चाहिए। ओके, सो यहाँ पे दरभंगा में, यहाँ पे दरभंगा लोकेशन का स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा लोकेशन, तो यहाँ पे दरभंगा में 6 डिलीवरी एग्जीक्यूटिव चाहिए और 2 मटेरियल हेल्पर चाहिए। ओके, सो सासाराम का बात करूँ तो सासाराम में 4 डिलीवरी एग्जीक्यूटिव चाहिए और 6 हेल्पर्स चाहिए सासाराम लोकेशन के लिए, टोटल इसमें भी 10 वैकेंसी है। भागलपुर का देखोगे स्क्रीन पे शो हो रहा है, यहाँ पे भागलपुर में 6 डिलीवरी एग्जीक्यूटिव चाहिए और 2 मटेरियल हेल्पर चाहिए। मुजफ्फरपुर की बात करूँ तो मुजफ्फरपुर में 2 डिलीवरी एग्जीक्यूटिव चाहिए और 2 एमएच चाहिए, हेल्पर चाहिए। सबका लोकेशन स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ, बाद में ये मत पूछना कि लोकेशन कौन सा है ज़रा ये बता दीजिए, तो ऐसा नहीं होता। लोकेशन स्क्रीन पे ही इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। मुजफ्फरपुर का शेरपुर लोकेशन आप देख रहे हो। ओके, सो यहाँ पे पूर्णिया बिहार के लिए यहाँ पे स्क्रीन पे लोकेशन शो हो रहा है, 4 डिलीवरी एग्जीक्यूटिव चाहिए और 3 हेल्पर चाहिए। ओके, जो सुगौल की बात करूँ सुगौली लोकेशन में 0 डिलीवरी एग्जीक्यूटिव है, यानी कि डिलीवरी एग्जीक्यूटिव इसमें नहीं चाहिए और एमएच जो चाहिए 2 लोगों की ज़रूरत है। सो सीतामढ़ी लोकेशन के बारे में बात करूँ तो सीतामढ़ी में 6 कैंडिडेट डिलीवरी एग्जीक्यूटिव चाहिए और 4 एमएच चाहिए, मटेरियल हेल्पर चाहिए। तो यहाँ पे भी सीतामढ़ी में भी बहुत बड़ा गैपिंग आपको देखने को मिल जाता है। सो लोकेशन सीतामढ़ी का स्क्रीन पे रहा। सिवान लोकेशन के लिए 2 मटेरियल हेल्पर चाहिए और 2 डिलीवरी एग्जीक्यूटिव चाहिए, सिवान में भी 4 लोगों की ज़रूरत है। गया लोकेशन के लिए 2 डिलीवरी एग्जीक्यूटिव चाहिए और 3 मटेरियल हेल्पर चाहिए। ओके, यहाँ पे किशनगंज लोकेशन के लिए 2 डिलीवरी एग्जीक्यूटिव चाहिए और 2 हेल्पर चाहिए। यहाँ पे दानापुर के लिए 6 डिलीवरी एग्जीक्यूटिव चाहिए और 2 हेल्पर चाहिए। ओके, सो सबका लोकेशन मैं स्क्रीन पे ही शेयर कर रहा हूँ। सहरसा लोकेशन के लिए यहाँ पे 2 डिलीवरी एग्जीक्यूटिव चाहिए और 2 हेल्पर चाहिए, लोकेशन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। गोपालगंज लोकेशन के लिए 8 डिलीवरी एग्जीक्यूटिव चाहिए और 2 हेल्पर्स चाहिए, टोटल 10 वैकेंसी है गोपालगंज लोकेशन के लिए। बक्सर के लिए यहाँ पे 4 डिलीवरी एग्जीक्यूटिव चाहिए और 2 हेल्पर्स चाहिए, टोटल इसमें 6 कैंडिडेट्स की हायरिंग है। सो नवादा लोकेशन के लिए यहाँ पे 0 वैन डिलीवरी एग्जीक्यूटिव चाहिए और 3 हेल्पर्स चाहिए, तो टोटल 3 वैकेंसी होने वाला है। सो जहानाबाद लोकेशन के लिए 4 डिलीवरी एग्जीक्यूटिव चाहिए और 3 हेल्पर्स चाहिए, टोटल 7 लोगों की ज़रूरत है। नालंदा लोकेशन के लिए जो चाहिए वो 2 डिलीवरी एग्जीक्यूटिव चाहिए और 7 हेल्पर्स चाहिए, टोटल 9 लोगों की ज़रूरत है। अगर हम गैप काउंट करें तो तकरीबन जो टोटल काउंट आता है वो बहुत बड़ा नंबर में आ जाएगा। तो काउंटिंग का बात छोड़ो, बेसिकली लोकेशन मल्टीपल लोकेशन है। हम बात करें तो यहाँ पे औरंगाबाद, बख्तियारपुर, बेतिया, कटिहार, पटना, समस्तीपुर, बेगूसराय, भोजपुर, दरभंगा, सासाराम, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, सुगौली, सीतामढ़ी, सिवान, गया, किशनगंज, दानापुर, सहरसा, गोपालगंज, बक्सर, नवादा, जहानाबाद और नालंदा, सबका लोकेशन मैंने ऑल राइट शेयर कर दिया है। एक और लोकेशन है, बहुत यूनिक लोकेशन है, उसके बारे में भी डिस्कशन करता हूँ। बहुत यूनिक लोकेशन है, इफ डोंट माइंड, यहाँ पे देखिए ये जो एक और लोकेशन है ये आपका होने वाला है, ये डिस्ट्रिक्ट आरा है, आरा लोकेशन में है, फोरबेसगंज लोकेशन है, ठीक है, फोरबेसगंज लोकेशन है आरा में, इंस्टाकार्ट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, वार्ड नंबर 09, फोरबेसगंज नियर बाई, ये देख सकते हो ये जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है फोरबेसगंज का, डिस्ट्रिक्ट अररिया बिहार में होने वाला है। सो गाइस, अब ये लोकेशन का फंडामेंटल्स तो खत्म हो गया, अब ये आपके मन में कन्फ्यूजन्स नहीं रहेगा कि लोकेशन कौन सा रहेगा, लोकेशन कौन सा रहेगा ये तो सोचने वाली बात नहीं है। अब देखो, सब लोगों को एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि समय सब काम में लगता है, ठीक है, समय सब काम में लगता है। कुछ लोग बहुत घबराए हुए हैं कि हाँ
मेरे पास में कॉल नहीं आया, मैंने तो गूगल फॉर्म सबमिट किया। अभी धीरे धीरे काम चल रहा है ना, जैसे हाजीपुर का गैप हम लोगों ने ख़त्म कर दिया, हाजीपुर का ज्वाइनिंग कंप्लीट हो गया, कुछ और लोकेशन है जिसका ज्वाइनिंग कंप्लीट हो गया, कुछ में अनसिलेक्शन रेशियो 100% आए। देखो सबसे ज़्यादा अनसिलेक्शन कैंडिडेट जो आए पटना में आए, उसके बाद में भागलपुर में आए। क्यों? क्योंकि देखो मैं बोलता हूँ, जब इसमें जॉब है हेल्पर्स का और डिलीवरी एग्जीक्यूटिव का, वहाँ पे जाके तुम मैनेजर से बात करते हो और मैनेजर को कहते हो कि सर हम ग्रेजुएशन पास है, क्या मुझे ऑफिशियल जॉब नहीं मिल रहा, तो एक व्यक्ति ये बात पूछेगा कि ऑफिशियल जॉब नहीं मिलेगा क्या कि ये हेल्पर का काम करूँगा, तो एक के जगह तीन लोग गए थे भागलपुर में और तीनों को भगा दिया गया, ऐसा मेरे को जैसा कि बोला गया है। तो एक्चुअल प्रॉब्लम ये है, आपको जो चीज़ें यहाँ पे रिक्वायरमेंट खाली है, जो चीज़ों का वैकेंसी खाली है, उसके बारे में ही सजेस्टिंग किया जा रहा है। चाहे आप बीटेक हो एमटेक हो डज नॉट मैटर, अगर हेल्पर का वैकेंसी खाली है तो आपको हेल्पर में ही लिया जाएगा। आप वहाँ पे ये चीज़ें ना पूछे कि मुझे ऑफिशियल जॉब चाहिए, मुझे ऑफिशियल, आपको जो चीज़ें सजेस्टिंग के लिए भेजा गया है, कम से कम आप नहीं करेंगे तो वो दो तीन लोग साथ में जो जा रहा है, जो साथ में एक साथ में हब में पहुंच गया मल्टीपल लोकेशन के लिए, उसको तो कम से कम डिस्टरबेंस मत करो ना, क्योंकि वो लोग बहुत दूर से भी आए होंगे, 15-20 किलोमीटर दूर से आए होंगे, तो उसको डिस्टरबेंस मत करो। अब देखो प्रॉपर मैंने बात बता दी, लोकेशन मैंने शेयर कर दिया, अब देखो लोग कहाँ से मिलेंगे। बहुत सारे लोग एक ही लोकेशन से ज़्यादातर देखते हैं, मुजफ्फरपुर हाजीपुर पटना दरभंगा ये सब लोकेशन से। मैं एक बात बताता हूँ, सबसे ज़्यादा हमें कैंडिडेट का गैपिंग देखने को मिला है फोरबेसगंज का। तो अगर आप आरा से बिलोंग करते हो और फोरबेसगंज के वीडियो को तक ज़्यादा शेयर कर सकते हो तो प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मेरा गैपिंग भी फुल हो जाएगा और आप लोगों को रोज़गार भी दिलाने में सहायता करोगे, तो फोरबेसगंज आप लोग शेयर करना। दूसरा लोकेशन है जो अपना होने वाला है ये गोपालगंज। गोपालगंज वाले भाई लोग कृपया करके ये वीडियो को 10 लोगों को शेयर जरूर कीजिएगा। सीतामढ़ी के भी भाई लोग कम से कम 10 लोगों को ज़रूर शेयर कीजिएगा, मैं सब लोकेशन के लिए नहीं बोल रहा। एंड वेल यहाँ पे बता दूँ, भोजपुर वाले भाई लोग कम से कम 10 लोगों को शेयर कर दीजिएगा। एंड इन फैक्ट एक और लोकेशन मैं बताता हूँ, जस्ट मीन्स वेट नाउ, यहाँ पे किशनगंज और बक्सर, ये दो लोकेशन वाले प्लीज़ शेयर नाउ दिस वीडियो, क्योंकि देखो आप जब शेयर करोगे ना तो मेरा गैपिंग फुल तो होगा ही होगा, साथ में कैंडिडेट को भी जॉब्स मिलेगी। और देखो बिहार का जब जॉब्स आता है ना, तो उसमें एक एक जॉब्स के लिए लोगों से जो चार्ज किए जाते हैं 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 तक, बट हम लोग ऐसा सिस्टम नहीं करते, हम लोग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जॉब्स देते हैं। एंड वेल एक और बात बता देता हूँ, गूगल फॉर्म का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप लोग उस गूगल फॉर्म को अप्लाई करो, आपका भी नंबर आएगा, 1 से 2 दिन के अंदर में ही नंबर आएगा। और मैं बोलता हूँ सरस्वती पूजा जो है, सरस्वती पूजा तक हम पूरा डेटा क्लियर कर लेते हैं, यानी कि कल तक हम पूरा डेटा क्लियर कर लेते हैं, फाइनलाइज कर लेते हैं। उसके बाद में सरस्वती पूजा होने के बाद में, कल सरस्वती पूजा जैसे कि कल होगा, तो परसों सब कैंडिडेट हब में रहेंगे। और आप लोग जींस पैंट पहन के मत जाना, नॉर्मल ड्रेस में जाना और अच्छे से जाना। उसके बाद में जाने के बाद में आपको रिज्यूम लेके जाना है, रिज्यूम पर डॉली मैम का नंबर लिखना है, सॉरी फॉर नंबर नहीं, सीधा लिखना है डॉली टीम लीज, DOLLY डॉली टीम लीज, TEAMLEASE टीम लीज। तो इतना लिखना है, इतना लिख के ही लेके आना है, ठीक है ना, इतना लिख के लेके आना है। उसके बाद सब लोग रिज्यूम लेके आना है, ये मत भूल जाना कि रिज्यूम नहीं है मेरे पास में, रिज्यूम सब लोग को लेके आना है। उसके बाद में नेक्स्ट प्रोसीजर होगा, आपको कुछ इंग्लिश के शब्द होंगे उसको पढ़वा के देखा जाएगा, जैसे कि कोई लैंग्वेज होता है उसको पढ़वा के देखा जाएगा, वैन डिलीवरी एग्जीक्यूटिव के पोस्ट के लिए, तो वैन डिलीवरी एग्जीक्यूटिव के पोस्ट के लिए उस चीज़ों को रीड करवाया जाएगा। आप लोग रीड अच्छे से करना, जो लोग अभी तक गूगल फॉर्म सबमिट नहीं किए, डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, जाके सबमिट करो, रिस्पॉन्स सबको मिलेगा, लेकिन रिस्पॉन्सिबल पर्सन भी होना चाहिए। अब देखो ना, कुछ लोग ऐसे हैं जैसे विशाल कुमार है, उसको कन्फर्मेशन लेटर मिलने के लिए मतलब कंपनी बार बार फ़ोन कर रही है, वो फ़ोन ही नहीं उठा रहा,
भागलपुर का कैंडिडेट है तो गौरव कुमार है। अब क्या किया जाए ये सब कैंडिडेट का बताओ, जब आप हब में गए, जब आपको जॉब नहीं करना था तो आप रिज्यूम सबमिट ही नहीं करते। बेवाक बात है कि आप लोग रिज्यूम सबमिट किए और बेकार आपका भी टाइम और आगे भी टाइम बर्बाद हुआ। तो कुछ चीज़ें जो होती हैं आपको समझना होता है। देखो मुझे ज़रूरत नहीं था कि इस वीडियो का लेंथ हम 20 मिनट तक खींच के ले जाते, लेकिन बिहार के कैंडिडेट को थोड़े अच्छे से एक्सप्लेनेशन करने होते हैं, समझाने पड़ते हैं। गुस्सा तो देखो नाक पे रहता है सबका, लेकिन मैं बैठा हुआ हूँ क्या, रात के 12-12 बजे तक कॉल हैंडल किया हूँ, 450 डेटा आए हैं। 450 डेटा में से तकरीबन 2 दिन में हमने जो क्लियर किए हैं 120 डेटा किए हैं, क्योंकि और भी मेरे को काम रहता है, ऑफिस भी मैनेजमेंट करने पड़ते हैं। मुजफ्फरपुर बिहार में ऑफिस है, आप लोग आ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ऑफिस मैनेजमेंट करने पड़ते हैं, ऑफिस में जो टेलीकॉलर्स है उसको देखना पड़ता है, काम कैसे हो रहा है, क्या रिस्पॉन्स हो रहा है, ये सारी चीज़ों को मैनेजमेंट करनी पड़ती है। आप ये सोचते हो कि हम इसे बिहार के लोकेशन है, देखो बिहार के जॉब्स के लिए जो अभी हम शेयर कर रहे हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ बिहारी भाई का प्यार है कि हम शेयर कर रहे हैं। एंड वेल हम इसलिए शेयर कर रहे हैं, देखो मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुनो, अभी ये प्रोजेक्ट हमारा फाइनल हो जाता है ना, फुल्ली एंड फाइनल, और इसमें कैंडिडेट में भी 100% सिलेक्टेड हो जाते हैं, तो इसके बाद बिहार का प्रोजेक्ट ओपन मिलेगा। ये हम लोगों का टेस्टिंग के लिए दिया गया है, टेस्टिंग के लिए मतलब क्या, ये टेस्टिंग प्रोजेक्ट है, इसके बाद में बढ़िया सा स्वाद वाला खाना आएगा, ये टेस्टिंग है और इसके बाद में स्वाद वाला। जैसे कि ये हम लोगों का जो है बहुत बड़ी कंपनी है, एक नहीं नाम लूँगा, सोर्सिंग कंपनी है, उसने ये प्रोजेक्ट दिया है हम लोगों को, और उसके बाद में बहुत सारे जो है बहुत सारे कंपनी हैं आने वाले हैं, जैसे अडानी कंपनी है, कंस्ट्रक्शन हेल्पर का जरूरत होगा, उसमें सुपरवाइजर भी लगेंगे, वो सब अपकमिंग प्रोजेक्ट है, उसका भी मीटिंग होता रहता है। जो SBI बैंक का रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव हो गया, ब्रांच रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव हो गया, ये सभी पोस्ट आएंगे। दूसरे जगह ऑब्जर्वेशन कर लेना, 5,000-5,000 रुपये तक लेंगे, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिले, जहाँ तक हो वो जान फूकेंगे और लगाएंगे। लेकिन हाँ, इसके लिए सपोर्ट्स की ज़रूरत होगी। अब देखो इतने सारे लोकेशंस में अगर आप लोग काम करना चाहते हो, लेकिन एक बात लास्टली बोल के मैं चला जाना चाहता हूँ, ये लास्ट बात ये है कि अगर आप लोग करना चाहती हो, मेक श्योर आप अपना लोकेशन देख लेना। जैसे हब का लोकेशन मुजफ्फरपुर का मान लिया, हॉली मिशन स्कूल के पास है, जो कि शेरपुर में पड़ता है, जो कि दिघरा के नियर बाई में है और कच्ची पक्की के नियर बाई में है, तो उस लोकेशन से 15 किलोमीटर तक का कैंडिडेट चलेगा। 15 किलोमीटर मींस बता दूं तो 15 किलोमीटर आप लोग देख सकते हो कि कहाँ होगा, 15 से 16 17 20 के अंदर में रहना चाहिए, तब वो कैंडिडेट चलेगा। मे बी कैंडिडेट को ये पता होना चाहिए कि मुजफ्फरपुर का पूरा रूट पता हो, ये चीज़ें पता होनी चाहिए, तब वो कैंडिडेट सिलेक्शन के 100% चांसेस होंगे। अब देखो ये सारी प्रोसीजर जो हम आपको बता दिए, ये एक जो डिलीवरी एग्जीक्यूटिव का है और हेल्पर्स का है, डिलीवरी एग्जीक्यूटिव का फिर से बताता हूँ, सैलरी 10,500 रुपये इन हैंड है, 3,000 रुपये तक का इंसेंटिव है, 13,500 रुपये जो इंसेंटिव लगा के बनेंगे, और हेल्पर्स का फिक्स अमाउंट है 10,000 रुपये 9 घंटे ड्यूटी के। बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये लोकेशन है, वो लोकेशन है, ये सैलरी है, वो सैलरी, दिस दैट मुझे नहीं चाहिए, जो काम करने वाले हैं ना, ठोक बजा के आओ और काम करो, बस यही कहने का तात्पर्य होता है। एंड वेल जो भी इन्फॉर्मेशन दिया हो 100% रियल है। डिस्क्रिप्शन खोल करके गूगल फॉर्म जल्दी से जल्दी सबमिट कर दीजिए, रिस्पॉन्स मिलने में आपको भी कुछ देर का ही समय बाकी है, तो जल्दी कीजिए, रियल इन्फॉर्मेशन भरिएगा, फेक लोगों की जरूरत मुझे ऐसे भी नहीं होती। थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़।